यहाँ पे खगड़िया जिला है जिसमें अपराधी का मनोबल जो है एसपी एसपी ये लोगों का लापरवाही है जिसके कारण इतना बड़ा हत्या हमेशा और गंभीर होके अपराधी को सजा दी सरकार या पदाधिकारी इस तरीके से रवैया रहेगा तो फिर हम लोग भी जिला के अंदर में करेंगे अपने पास जो क्षमता है। बिहार में छोटा सा जिला है, छोटा सा जिला अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर उनको नहीं बताना। पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन सारा चीज़ किया जाएगा, खास करके खगड़िया जिला की अगर बात कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 4 विधानसभा का जिला है, जिला छोटा है और बिहार में अगर देखिएगा जिला के अनुकूल तो मुझे लगता है टॉप 5 में आपके खगड़िया जिला है जिसमें अपराधी का मनोबल जो है हाई है। और ये इसलिए है कि प्रशासन जो है खास करके डीएसपी एसपी ये लोगों का लापरवाही है जिसके कारण इतना बड़ा हत्या हमेशा हो जा रहा है। एक ही दिन में दो दो जगह हत्या होना, उसके बाद जो पदाधिकारी है उन लोगों ने कार्रवाई सही से नहीं करते हैं, इसलिए अपराधी का मनोबल बढ़ता है और इसी के कारण है कि छोटा छोटा बात को लेके लोग जो है अपराध कर बैठते हैं। तो इसमें सरकार को गंभीर होना है, जिला प्रशासन को गंभीर होना है, एसपी साहब को होना है, डीएसपी को होना है और हर पदाधिकारी को गंभीर होके अपराधी को सजा दिलाए। और इसके लिए हम एसपी साहब से बात भी किए और आगे भी हम बात करते हैं और जल्द से जल्द जो घटना हुआ है उसके ऊपर जो भी दोषी है उसके ऊपर उसको सजा हो, यही सब चीज़ को लेकर हम लोग आज आए हैं। पार्टी के पदाधिकारी थे, हमारे अपने लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इसके दुख में हम यहाँ पर आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे और आने वाले समय में सरकार या पदाधिकारी इस तरीके से रवैया रहेगा तो फिर हम लोग भी जिला के अंदर में करेंगे अपने पास जो क्षमता है, जो हम लोगों के न्याय के लिए जो करना चाहिए वो हम लोग करेंगे। तो खास करके सरकार इस पर और प्रशासन चौकन्ना होने की आवश्यकता है। प्राथमिकता सर क्या होनी चाहिए सर जिला प्रशासन की? जिला प्रशासन को ध्यान देना है, उनके जिला में इस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है। बिहार में छोटा सा जिला है, छोटा सा जिला अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर उनको नहीं बैठना चाहिए, अगर और है तो उनका अपना दायित्व को पूरा करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं और ऊपर लेवल पे डीजीपी साहब से भी इसको लेके हम बात करेंगे और हम देख रहे हैं कि जितना घटना हो रहा है वो बिहार में किसी जिला से ज़्यादा घटना इस जिला में हो रहा है, ताकि कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी है उसके प्रति अपराधी का कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है और जिसके कारण इतना अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ। खगड़िया में अब तक दर्जनों जो है जनप्रतिनिधियों की हत्या हो चुकी है मुकेश जी, और जिस तरीके से पुलिस का जो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कहीं दिखता नहीं है, इसको लेकर के क्या आप डीजीपी से मुलाकात करेंगे या जिसके लिए हम ऊपर स्तर से हम सब स्तर पे हम अपना प्रयास करेंगे, जो होगा वो हम लोग करेंगे। जरूरी पड़ा तो मुजफ्फरपुर में पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन सारा चीज किया जाएगा। सरकार को और प्रशासन को दोनों को गंभीर होना पड़ेगा। बिहार के वर्तमान कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? यही देख रहे हैं ना, कानून व्यवस्था यही है ना। कानून व्यवस्था अगर सही होता तो अपराध नहीं होता। आज कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सही नहीं है तो इसके लिए अपराध बढ़ हो रहा है। तो इसमें जगह तो कानून व्यवस्था सही नहीं है, सही रहता तो अपराध नहीं होता। धन्यवाद। ठीक है।